बिसमीम फैक्टिकल के मोज़ज़ नाजरीन को असल नाजरीन मोहतरम एक बंदर एक शेर के बच्चे को अगवा कर लेता है और उसको उठाकर दरख्तों के ऊपर चढ़ जाता है ये सारा मामला क्या हुआ और क्या इस बंदर ने इस शेर के बच्चे को पाला या फिर इसके कोई और मक़ाद थे आज की वीडियो में हम इन तमाम बातों से नाजरीन को आगाह करेंगे नाजरीन ग्रामी इस बंदर की इस कारस्तानी की ये तस्वीर क्रूगर नेशनल पार्क के एक सफ़ारी गाइड कुर्ड शुल्ट्स ने बनाई हैं उसने बताया कि उस दिन इस जंगल में मौजूद एक कैंप में मेरी कुछ लोगों के साथ मुलाक़ात थी क्योंकि यह वक्त से पहले इस जंगल में पहुंच चुका था इसलिए उसने इस वक्त को प्रोडक्टिव बनाने का सोचा और वो इस इलाके में मौजूद जंगली जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए निकल पड़ा कुर्ट ने बताया कि फ़ोटोग्राफी के उनके इस शौक़ ने उनको एक ऐसी जगह तक पहुँचा दिया जहाँ पर बंदरों का एक ग्रोह दरख्तों की चोटियों पर मौजूद था बंदरों के एक ग्रोह को सुबह के वक्त इस इलाके में देखना उनके लिए ख़िलाफ़ मामूल बात नहीं थी लेकिन आज इन बंदरों का ग्रोह काफी मुस्तरब नजर आ रहा था जैसे कोई ख़ास वाक्य पेश आया हो इस बेचैनी को देखकर मेरी अकल ने मुझे उन बंदरों तक जाने और उनको एक नज़र देखने पर आमादा कर लिया मैं जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ उन बंदरों में से एक के बारे में मुझे कुछ सयाहों ने बताया कि उसने शेर का बच्चा उठाया है कुलट ने बताया कि मेरे बीस साल के तजर्बे में ऐसा कोई भी वाक्य मैंने नहीं देखा था अगरचे शेरों को बंदरों के बच्चों को और मौका मिलने पर शेरों के बच्चों को बंदरों को मारते हुए मैंने देखा और सुना है लेकिन यहाँ सारी बात ही उलट थी सुबह के वक्त ये बंदर दरख्तों से नीचे खुराक के लिए उतरते हैं और यकीन इस बंदर को कहीं इस शेर का बच्चा मिल गया होगा और उसने उसे अगवा कर लिया कुर्ट ने पहले सोचा कि यह एक मादा बंदर है लेकिन कुर्ट को इस शेर के बच्चे की जिंदगी का मुस्तबिल तब तारीख होता नज़र आया जब उसको पता चला कि यह एक मादा बंदर नहीं बल्कि एक नर बंदर है कुर्ट ने यह सारा वाक्य अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया और इस दौरान ये बंदर इस शेर के बच्चे की फ़र्क को बिल्कुल वैसे ही सहलाता रहा जैसे ये बंदर अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं उधर शेर का बच्चा अपने आप को इस माफूक फितरत मोहब्बत के शिकंजों से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए नजर आता है और यह बात बिल्कुल वाज नज़र आ रही होती है कि यह शेर का बच्चा डरा और सहमा हुआ है अक्सर अवकात जंगल में ऐसा होता है कि शेरनिया शिकार के दौरान या फिर किसी और शेर की वजह से मारी जाती हैं इसी वजह से उनके बच्चे बेयार और मददगार जंगल की भूल भुलाइयों में घूमने पर मजबूर हो जाते हैं एन मुमकिन था कि इसकी माँ के साथ भी कोई हादसा पेश आया था इस वजह से वो अपने बच्चे तक वापस लौट नहीं सकी थी वरना एक माँ शेरनी की मौजूदगी में ऐसा होना बईद अज्ञ्यास है कि एक बंदर उसके बच्चे को उठाकर दरख्त पर चढ़ जाए ऐसा होते देखा गया है कि एक शेरनी ने ऐसे ही जंगल में मिलने वाले बेयार और मददगार चीते के बच्चे को पाला और ये हम गुजश्ता एक वीडियो में बता भी चुके हैं लेकिन अगर बंदर इस शेर के बच्चे को पालने के लिए अपने साथ रख लेते तो इन बंदरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी खैरकर्ट अभी इनको गौर से देख ही रहे थे और इस लाइन कब के मुस्तबिल के बारे में परेशान हो रहे थे कि उनने देखा कि इस बंदर ने इस शेर के बच्चे पर अपनी गिरफ्त एक बार फिर से मजबूत की और एक बार फिर से दरख्तों की शाहों को पकड़कर छलांगे मारना शुरू कर दी अब इस बंदर का बाकी का गोह भी इससे दूर जा चुका था और जब यह बंदर एक दरख्त पर आखिर आकर बैठा तो कुर्ट भी वहां पहुंच गया ताकि वह उसको देख सके कुर्ट ने देखा कि वो इस शेर के बच्चे के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि एक बंदर अपने बच्चे के साथ बिहेव करता है वो उस शेर के बच्चे की फर को अपने हाथों से संवार रहा था कुर्ट ने बताया कि मुझे चूंकि उस मीटिंग में पहुंचना था इसलिए मैं वहां पर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी मैं उस जगह तकरीबन एक घंटे तक मौजूद रहा ताकि मैं इस शेर के बच्चे के अंजाम के बारे में जान सकूँ लेकिन सद अफसोस के वक्त ने मेरा साथ न दिया और मुझे वापस इस मीटिंग में आना पड़ा कहा जाता है कि इस शेर के बच्चे की लाश बाद में मिली लेकिन अगर यह काम इस बंदर का ही होता तो उनको उसका गोश्त तो खाना चाहिए था क्योंकि यह ओमनीवर्स होते हैं और बात गोश्त भी खाते हैं इसलिए सही तौर पर इस शेर के बच्चे के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ क्या हुआ ऐसा भी एन मुमकिन है कि उनको किसी और शेर का बच्चा मुर्दा हालत में मिला हो क्योंकि क्रूगर नेशनल पार्क में लाइन कब्ज का सर्वाइवल रेट सिर्फ पचास फीसद ही है इस वजह से एन मुमकिन यह भी है कि यह कोई और लाइन कब हुआ हो यहाँ एक बात और बताना ज़रूरी है और वह यह कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन बंदरों ने इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा समझ कर उठा लिया हो क्योंकि ये बंदर जितने इंटेलिजेंट होते हैं उस हिसाब से इन बंदरों से ऐसी गलती हो जाना नामुमकिन है इसी तरह यह बात भी नामुमकिन है कि इन बंदरों ने शेरनी की मौजूदगी में उसके बच्चे को उठा लिया हो क्योंकि शेरनियाँ अपने बच्चों की हिफाजत करने में कोई कसर उठा नहीं रखतीं और बंदर इस बात से नाअना नहीं होते कि शेर कितने ख़तरनाक होते हैं और फिर एक शेरनी जो कि अपने बच्चों की हिफाजत कर ही हो उससे तो किसी नर्मदिली की उम्मीद नहीं की जा सकती बाज़ एनिमल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेरनी को अपने बच्चों को छोड़कर शिकार पर जाना ही होता है और इस दौरान उनके बच्चों के शिकार हो जाने के इम्कान रहते ही हैं जो भी बात इस शेर के बच्चे के अगवा होने की वजह बनी हो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसके बारे में मजीद तफसी उभर कर सामने आए ऐसा ही वाक़ा एक शेरनी और बंदर के साथ भी हुआ था जिसमें एक शेरनी ने बंदर के बच्चे को बाकी शेरों से बचाया था नाजरीन मोहरम इन फोटोग्राफर्स ने नेशनल जोग्राफिक और अपने ब्लाग पर इस सारे वाक़े की तफसी बयान की हैं उन्हें कहा कि जब शेरों ने बंदरों के इस झुंड पर हमला किया तो इस सारे वाक़े को देखना हमारे लिए बहुत ही तकलीफ देह था लेकिन फिर इसी असना में एक छोटा बंदर भी एक शेरनी को नजर आ जाता है जिसे देखकर शेरनी फ़ौर से उसके पास आ जाती है और फिर शेरनी का इस छोटे बंदर के साथ सलूक देखकर हर कोई ही हैरान रह गया नाजरीन मोहरम इस वाके को दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स लिसा हॉल्सवर्थ और इवन सेलर ने अपने कैमरे में कैद किया ये मैरिड कपल लियो क्रॉनिकल्स के नाम से अपना एक ब्लॉग चलाते हैं बोर्डसोना के जंगलात में जंगली जानवरों की तस्वीरें बनाने की घर से गए ये फोटोग्राफर्स जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे खास वाक़ देखने को मिला बोडसोना में उनकी सफारी को सिर्फ एक ही दिन रह चुका था और ये बड़े ही गौर से एक हाइना और लैपट को देख रहे थे कि लैपट किसी आने वाली चीज के खतरे से डर भाग गया वोल्सवर्थ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वहाँ पास 30 से 40 बंदरों का एक झुंड भी था जो कि दरख्तों के ऊपर से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था बंदरों का यह झुंड भी किसी चीज़ से डरा था और यह झुंड बहुत ज़ोर से खतरे में निकाली जाने वाली आवाजें निकाल रहा था फिर उन्हें भी देख लिया कि आखिर ये जानवर किस चीज़ से इतना ज़्यादा खौफजदा हो रहे हैं उन्हें देखा कि शेरों का एक झुंड उन दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर ये बंदर हैं इन शेरों को देखकर ये बंदर खतरे में निकाली जाने वाली आवाज़ें निकाल रहे थे एक तरफ लेपर्ड का खतरा और एक तरफ़ शेरों की दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश इन बंदरों को खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी आखिर वही हुआ जिसका डर था इन बंदरों में से एक मादा बंदर जिसके साथ उसका बच्चा भी लिपटा था गलती से दरख्त से नीचे गिर जाती है और यूं शेरों ने बंदरों में जो अफरा तफरी मचाई थी उसका फल तो उन्हें मिल जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में इस बंदर के बच्चे की वजह से शेरों में आपस में ही लड़ाई होने वाली थी ये फोटोग्राफर्स इस बंदर की माँ की मौत को देख कर अभी अफसरदा ही हो रहे थे कि इस छोटे से बच्चे पर उनकी तवज्जो मरकूज हो गई इसकी मुमकिना माँ को तो अभी ही शेरों ने हलाक किया था लेकिन ये छोटा बंदर शेरों से बचकर एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी वो इतना छोटा था कि दरख्त पर चढ़ना उसके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था इतनी देर में एक शेरनी उसको देखकर उसके पास आ गई और उसको खींचकर कर दरख्त के तने से अलग कर दिया लेकिन फोटोग्राफर्स ये देख कर हैरान रह गए कि उसने उस बच्चे को मारा नहीं और ना ही उसको खाने की कोशिश की बल्कि वह उसके साथ खेलने लगी जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता वह उसे खींच कर दरख्त से नीचे गिरा देती इस शेरनी के इस बिहेवियर की वजह से यह छोटा बंदर बेहद डरा हुआ था और खौफ से उछल रहा था और साथ ही शेरनी को अपने पंजे से मार भी रहा था लेकिन इसके बावजूद शेरनी उसे कुछ नहीं कह रही थी लेकिन जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता शेरनी उसे नीचे गिरा देती थोड़ी देर में वो इस खेल से तंग आ गई और इस बंदर के बच्चे को अपने मुंह से उठाकर एक जगह आकर बैठ गई और इसे अपने पंजों के दरम्यान रख दिया जब ये बच्चा इस शेरनी के पंजों के दरम्यान बैठा था तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शेरनी के साथ है क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो अपनी माँ की प्रोटेक्शन में बैठा है इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब शहरत हासिल की और कई लोगों ने शेरनी के इस बिहेवियर के बारे में अपनी अपनी राय दी कुछ ने कहा कि यह कैट फैमिली के मेंबर्स में अक्सर देखा गया है कि वो अपने शिकार के साथ खेलते हैं और जब शिकार थक हार जाता है तो फिर उसको मार देते हैं और यह शेरनी भी इस छोटे बंदर के साथ वैसे ही खेल रही थी जैसे बिलियाँ चूहे का शिकार करने से पहले चूहे के साथ खेलती हैं बाज लोगों ने यह भी कहा कि एक माँ के जज्बात तमाम बच्चों के साथ एक ही जैसे होते हैं और बाजू का यह भी देखा गया है कि एक माँ अपनी नस्ल को बालाए ताक रखते हुए दूसरी नस्ल के जानवरों के बच्चों को बचा लेती है इन सब लोगों की क्या सराइयों की वजह यह है कि यह शेरनी इस छोटे बंदर को खा नहीं सकी वरना उसकी इंटेंशन का पता चल जाता लेकिन यह बात कहना यहां बिल्कुल दुरुस्त है कि इस शेरनी की वजह से ही इस छोटे बंदर की जान बची अभी इस शेरनी ने इस छोटे बंदर को अपने मुंह से उठाया ही था कि शेरों के इस झुंड के बाकी मेंबर्स किसी वजह से उस शेरनी पर हमला आवर हो गए उनके इस हमले के जवाब में शेरनी ने भी अपना दिफा किया इस वजह से इस शेरनी को इस छोटे बंदर को छोड़ना पड़ा होल्सवर्थ ने बताया कि इतनी देर में एक जवान नर बंदर दरख्त से नीचे उतरा जो कि शायद इसी छोटे बंदर का वालद था और इसने इसको अपने मुंह में दबाया और अपने साथ लेकर दरख्त पर चढ़ गया और अब दरख्त पर वो अपने बाप के बाजू में बिल्कुल सेफ था